फ्रेंड्स, पदारोसा में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ककड़ी अंगूर की सब्जी, वो भी हलवाई स्टाइल से। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने 250 ग्राम देसी ककड़ी ली है, इन्हें अच्छी तरह धो लिया है। इन्हें छीलने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आपको लगे तो छील सकते हैं। अब इन्हें कट करना है। मैंने ककड़ी को कट कर लिया है, ककड़ी के चार भाग करके इस तरह से लंबा कट किया है। मैंने एक कढ़ाई ली है, अब इसमें 3 टेबलस्पून तेल डालकर गरम करना है। तेल गरम हो गया है, अब इसमें 1/2 टीस्पून जीरा, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटा दालचीनी का टुकड़ा, 1 तेज पत्ता, 2 लौंग, 1 सूखी लाल मिर्च, 2 चुटकी हींग, 3 बारीक कटी हरी मिर्च, 1/2 टीस्पून ग्रेटेड लहसुन, 1/2 टीस्पून ग्रेटेड अदरक और 1 मीडियम साइज का बारीक कटा प्याज डालकर मिक्स करना है। अब इसे 2 से 3 मिनट पकाना है ताकि प्याज अच्छी तरह पक जाए। लगभग 2 मिनट हो गए हैं, अब इसे अच्छी तरह मिक्स करना है। अब इसमें 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर डालकर मिक्स करना है। मसाले मिक्स हो गए हैं, अब इसमें 2 पिसे हुए टमाटर डालकर मिक्स करना है। अब इस पर ढक्कन लगाकर लगभग 3 से 4 मिनट पकाना है। लगभग 4 मिनट हो गए हैं, ग्रेवी ने तेल छोड़ दिया है। अब इसमें 1/4 कप दूध की मलाई डालकर अच्छी तरह मिक्स करना है। मलाई डालने से सब्जी का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। अब इसमें 1/4 टीस्पून गरम मसाला और ककड़ी डालकर मिक्स करना है। अब इसमें लगभग 1 कप पानी डालकर ढक्कन लगाकर लो फ्लेम पर 12 से 15 मिनट या ककड़ी नरम होने तक पकाना है। लगभग 12 से 13 मिनट हो गई है, ककड़ी भी नरम हो गई है। अब इसमें 50 ग्राम अंगूर और 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी डालकर मिक्स करना है। इसे 1 से 2 मिनट और पकाना है। अंगूर को नरम होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब इस पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालना है। सब्जी तैयार है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। थैंक यू।